24 अगस्त 1984 इंडियन एयरलाइंस के एक और विमान को आतंकी हाईजैक करके पाकिस्तान की ओर ले गई, लाहौर में उतारा गया। यह एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी, चंडीगढ़ से श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी। इसमें 210 यात्री सवार थे। कहा जाता है कि हाईजैकर्स उस समय खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जो भी आतंकी इस घटना में शामिल थे उनकी उम्र करीब 20 से 24 साल के आसपास थी। पिछले चार हाईजैक पर पाकिस्तानी इंटरफेयर होने का इंटरनेशनल मीडिया का काफी दबाव था, पर इस बार पाकिस्तानी आर्मी और ISI इस हाईजैक प्लेन को अपनी धरती से जल्द हटवाना चाहते थे। उस वक्त के तत्कालीन पाकिस्तान PM को भारत की PM इंदिरा गांधी ने संदेश दिया था कि फ्लाइट को किसी भी सूरत में लाहौर से निकलने न दिया जाए, मगर इस अनुरोध को नहीं माना गया। हाईजैकर के साथ बात करते हुए ISI के एक ऑफिसर को ये पता चल गया कि हाईजैकर के पास असली बंदूक नहीं है बल्कि प्लास्टिक की रिवॉल्वर है, इसलिए ISI ने असली रिवॉल्वर को हाईजैकर को दे दी और जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ने को कहा, दुबई जाने को कहा। इसके बाद हाईजैकर ने क्रू मेंबर से कहा कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। शाम 7 बजे रिवॉल्वर कैप्टन मेहता की तरफ कर दी और उन्हें प्लेन को टेक ऑफ करने का ऑर्डर दिया। कहा जाता है कि इस रिवॉल्वर की वजह से दोनों देशों के बीच कई राजनयिक तनाव हुआ था। प्लेन में सवार कई यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने कहा था कि लाहौर से पहले हाईजैकर के पास कोई भी हथियार नहीं था। रिवॉल्वर को देखने के बाद फ्लाइट के कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर हैरान थे। प्लेन में सवार दो ब्रिटिश नागरिकों ने उस समय कहा था कि पाकिस्तान ऑथोरिटीज ने हाईजैकर्स को कोई पार्सल दिया था और इसी पार्सल से रिवॉल्वर निकली थी। हाईजैकर्स ने कैप्टन से पहले कहा था कि वो प्लेन को बहरीन ले चले, लेकिन फ्लाइंग कंडीशन का हवाला देते हुए ऐसा करने से पायलट ने मना कर दिया। बाकी बचे फ्यूल से वो दुबई, अबू धाबी या मस्कत ही जा सकते थे। बाद में दुबई में उतारा गया, पर दुबई में भी प्लेन उतारना आसान नहीं था। दुबई ऑथोरिटी ने मना कर दिया था, रनवे की सारी लाइटें ऑफ कर दी थी, रेडियो कॉम्बिनेशन को साइलेंट कर दिया गया था, पर प्लेन के पायलट की काफी मिन्नत के बाद प्लेन को उतारा गया, वरना प्लेन को समुन्द्र में लैंड करना पड़ता, जो सारे यात्रियों का बचना नामुमकिन हो जाता। भारत सरकार के कड़े विरोध के बाद पाकिस्तान सरकार ने खुद प्लेन को दुबई के लिए रवाना कर दिया था, पर यह पाकिस्तान की गलती, ये गद्दारी, हटकर्मी भारत सरकार के लिए अच्छी साबित हुई। जब यह प्लेन दुबई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो यहाँ पर दुबई अथॉरिटी पहले से ही तैयार खड़ी थी। घंटों की बातचीत के बाद दुबई अथॉरिटीज ने हाईजैकर्स के कब्जे से सारे पैसेंजर को छुड़ा लिया, पर दुबई अथॉरिटीज को हाईजैकर की दो शर्तें माननी पड़ी, जिनमें पहली शर्त थी कि किसी भी हालत में उनको इंडियन अथॉरिटीज के हवाले नहीं किया जाएगा, भारत सरकार के हवाले नहीं किया जाएगा, और दूसरी शर्त थी कि एक चार्टर्ड प्लेन द्वारा उनको अमेरिका भेज दिया जाए। इधर भारत की भी एक टीम दुबई के लिए रवाना हो चुकी थी। इन टीम में इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लोग शामिल थे। इस टीम का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, इनको किसी भी हालत में दुबई अथॉरिटीज को दो बात के लिए कन्विंस करना था। पहला, हाईजैकर को इंडियन गवर्नमेंट के हवाले करना। दूसरा, वो रिवॉल्वर भी हैंड ओवर करने के लिए जो पाकिस्तानी ISI ने हाईजैकर्स को दी थी। लेकिन दुबई अथॉरिटी किसी भी हालत में ये करने को तैयार नहीं थी और ये जॉइंट टीम की किसी भी बात को सुन नहीं रही थी। वो इस तरफ आतंकवादी से वादा कर चुके थे, इनको इंडिया के हवाले नहीं करेंगे। दुबई अथॉरिटीज को डर था कि इस वादे को तोड़ा तो कल को कोई इनका ही प्लेन हाईजैक ना हो जाए। जब इंदिरा गांधी को इस बात का पता चला तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी रोमेश भंडारी को दुबई अथॉरिटीज से बात करके नेगोशिएशन करने का जिम्मा सौंपा। भंडारी उस वक्त मास्टर डिप्लोमेट थे और UAE की रूलिंग फैमिली और ब्यूरोक्रेसी में उनकी काफी अच्छी खासी पहचान थी। काफी घंटों की मेहनत के बाद भंडारी अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने दुबई अथॉरिटीज को हाईजैकर के पास से रिवॉल्वर समेत इंडिया के हवाले करने के लिए कन्विंस कर लिया। अब बात आई कि हाईजैकर्स को दुबई से दिल्ली कैसे लाया जाए। दुबई अथॉरिटीज यह नहीं चाहती थी कि टेक ऑफ होने से पहले हाईजैकर्स को यह पता चले कि उन्होंने उनके साथ धोखा दिया है। इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए रॉ ने एक शानदार प्लान बनाया। अमेरिका की एक कंपनी से चार्टर प्लेन को किराए पर लिया गया और इस प्लेन में इंटेलिजेंस ब्यूरो और पैरामिलिट्री फोर्स थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक टीम को बिठा दिया गया। इस जॉइंट टीम को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक ऑफिसर ही लीड कर रहा था।
यह अमेरिकी चार्टर प्लेन दिल्ली से दुबई के लिए निकल गया। जब यह दुबई एयरपोर्ट पर लैंड किया तो इंडियन जॉइंट टीम का कोई भी आदमी इस प्लेन से बाहर नहीं निकला। इस तरफ दुबई अथॉरिटीज ने हाईजैकर्स को कहा कि देखो, हमने तुम्हारी मांगे मान ली है, उस प्लेन का इंतजाम हो गया है जिसमें तुमको सही सलामत अमेरिका ले जाया जाएगा। बड़े ही प्यार से हाईजैकर्स को प्लेन के दरवाजे तक ले जाया गया और ऊपर चढ़ा दिया गया। जैसे ही हाईजैकर्स ने प्लेन के अंदर घुसे तो दरवाजा बंद करते ही इंडियन जॉइंट टीम ने सारे हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया। इन आतंकवादियों को बड़े ही जोर का झटका बड़े ही जोर से लगा। तो दोस्तों, यह था भारत के इतिहास का सबसे शानदार ऑपरेशन, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने मिलकर शानदार काम किया। ऐसे ही फैक्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।